हाय गाइड्स दोस्तों, ए आर वेलकम चैनल में आपका स्वागत। तो अभी देख पा रहे हो आप, जेसीबी चालू है और जेसीबी के अंदर ये बत्ती शो हो रही है और इसके साथ साथ एक ये भी बत्ती शो हो रही है। तो दोस्तों, ये बत्ती अक्सर क्यों बताती है और इसके पीछे का क्या कारण है, तो आइए जानते हैं और आप वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ही चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बेल दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, अक्सर जेसीबी 3DX से ये और जेसीबी 3DX मशीन ज़्यादा रनिंग करने पर बेसिकली कोई भी अगर फॉल्ट हो तो ये बत्ती हमें बताती है। ये बत्ती बताने पर अपने को डैशबोर्ड के अंदर देख रहे हैं कि छोटी वाली कौन सी बत्ती बताती है। तो सबसे पहले ये बत्ती बताई, ये नज़रों के आगे आई जाती है तो हमने डैशबोर्ड के अंदर नज़र किया तो डैशबोर्ड में ये बत्ती बताती है। तो इसके पीछे कारण है ये कि जेसीबी ज़्यादा रनिंग होने के कारण या फिर धूप के अंदर ज़्यादा लोडर में चलने के कारण ट्रांसमिशन गर्म हो जाता है, तो ये ट्रांसमिशन की बत्ती बता रही है। अक्सर दोस्तों, इसके लिए अगर आप लोडर में मशीन चला रहे हो तो भी कुछ समय के लिए आइडल खड़ा कर देना चाहिए, या फिर आप रनिंग में चला रहे हो और धूप है और ज़्यादा रनिंग किया है तो भी ट्रांसमिशन गर्म हो जाता है। बेसिक दोस्तों, 40-50 किलोमीटर लगातार रनिंग करने पर ट्रांसमिशन गर्म हो जाता है तो ये बत्ती बताती है। तो दोस्तों, कुछ समय के लिए जेसीबी को खड़ा करते हैं और फिर देखते हैं कि ये बत्ती कब जाती है। तो दोस्तों, हमने जेसीबी को 10-15 मिनट खड़ा किया तो ये बत्ती गायब हो गई। अब आप देख पा रहे हो जेसीबी चालू है मगर ये बत्ती नहीं बता रही। और दोस्तों, रनिंग के सिवाय भी अगर आपका ट्रांसमिशन ऑयल चेंज किए हुए ज़्यादा समय हो जाता है और फिल्टर चौकअप हो जाता है तो भी 10-15 किलोमीटर धूप के अंदर ज़्यादा रनिंग करने पर ये बत्ती बताना चालू कर देती है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे ये बत्ती क्यों बताती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।